अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सैयद हसनैन जिलानी और मैं आप सबको ग्रामरेज में खुशामदीद कहता हूँ। आज मेरे स्टूडेंट्स ने ये तीन ऑप्शंस दिए और मुझसे पूछा कि सर बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला अल्फा ऑप्शन था, आई हैव 10 रुपी नोट्स। दूसरा ऑप्शन था बीटा जो था, आई हैव 10 रुपी नोट। और चार्ली ऑप्शन था, आई हैव 10 रुपीज नोट्स। स्टूडेंट्स जो थे वो कोई एग्ज़ाम दे के आए थे, तो उनमें ये उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन था उनका, तो मैंने कहा कि मैं आपसे शेयर कर लूं। इस का करेक्ट ऑप्शन देखने से पहले मैं स्विफ्टली आपको एडजेक्टिव से आपकी दोस्ती करवा देता हूँ सिर्फ चंद मिनट्स में, और फिर आप खुद ही पहचान लेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सबसे पहले एडजेक्टिव को डिफाइन हम यूं करते हैं कि एडजेक्टिव कोई भी लफ्ज हो सकता है, एनी वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन। कोई भी लफ्ज, कोई भी लफ्ज जो किसी नाउन की, नाम की वजाहत कर दे, उसके मानों में इजाफा करे, उसको डिस्क्राइब कर दे, किसी नाम के मुतल्लिक कुछ कहे, तो वो एडजेक्टिव होता है। जैसे कि बिग हाउस में अगर हम देखें तो बिग एडजेक्टिव है, ठीक है ना, हाउस नाउन हो गया तो बिग एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब ये नॉर्मल एडजेक्टिव्स हैं, कॉमन एडजेक्टिव्स हैं, इनको हम पहचान लेते हैं बड़ी आसानी से। एडजेक्टिव को कैसे हम पहचानते हैं कि नाउन के साथ जुड़ा हुआ होता है और जनरली ये नाउन से पहले आता है, जैसे कि बिग हाउस में बिग एडजेक्टिव हो गया और न्यू हाउस में न्यू एडजेक्टिव हो गया। फिर हम एडजेक्टिव को यूं भी पहचानते हैं कि इसकी डिग्रीज बनती हैं, जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट और न्यू, न्यूअर, न्यूएस्ट। अच्छा, लाजमी नहीं है कि एडजेक्टिव्स की डिग्रीज बने, ठीक है। तो पहले तो इन डिग्रीज की जो कैद है इससे आप आजाद हो जाइए। फिर इस कॉन्सेप्ट को भी जहन से निकाल दीजिए कि एडजेक्टिव सिर्फ क्वालिटीज होती हैं, हम उर्दू में इसे कहते हैं इसमें सिफ्त, और सिफात को जनरली क्वालिटीज कहा जाता है। तो हुजूरे वाला कोई भी लफ्ज जो किसी नाउन की वजाहत करता है वो एडजेक्टिव होता है। जैसे फिर मैं गुजारिश करूं, बिग हाउस में बिग एडजेक्टिव, न्यू हाउस में न्यू एडजेक्टिव। तो अगर बिग हाउस में बिग एडजेक्टिव है और न्यू हाउस में न्यू एडजेक्टिव है, तो दिस हाउस में फिर दिस भी एडजेक्टिव हुआ ना, दैट हाउस में दैट भी एडजेक्टिव हुआ, और दिस, दैट, दीज, दोज जब नाउन्स के साथ जुड़ के आते हैं तो डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, जो डेमोंस्ट्रेट करते हैं, दिस हाउस ये वाला घर, दैट हाउस वो वाला घर। अच्छा, अब अगर बिग हाउस में बिग एडजेक्टिव है और न्यू हाउस में न्यू एडजेक्टिव है, तो दिस हाउस में दिस भी एडजेक्टिव हुआ और दैट हाउस में दैट भी एडजेक्टिव हुआ, और माई हाउस में माई भी एडजेक्टिव हुआ, माई हाउस, योर हाउस, देयर हाउस, हर हाउस, हिज हाउस। और जब माई और देयर और आवर और हिज और हर जब नाउन के साथ जुड़ के आते हैं तो ये कहलाते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो माई हाउस में माई भी एडजेक्टिव हो गया। अच्छा, अब वर्ब की आई एन जी वाली फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की आई एन जी वाली फॉर्म को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। चले इसको भी छोड़िए, क्या इसे ग्रामर में कहते हैं छोड़िए, आप यूं समझिए कि वर्ब की आई एन जी वाली फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करती है। जैसे कि अगर बिग हाउस में बिग एडजेक्टिव है, न्यू हाउस में न्यू एडजेक्टिव है, देखे ना, नाम के साथ जुड़ के आ रहे हैं ना ये, तो बर्निंग हाउस में बर्निंग भी एडजेक्टिव हुआ, ठीक है, और बर्नट हाउस में बर्नट भी एडजेक्टिव हुआ। तो जब वर्ब की आई एन जी वाली फॉर्म और थर्ड फॉर्म नाउन के साथ जुड़ के आती है जनरली, तो ये भी एडजेक्टिव होती है। जैसे कि स्माइलिंग फेस, अब स्माइलिंग फेस में स्माइलिंग एडजेक्टिव है, ठीक है,
जैसे कि ब्रोकन मिरर। अब ब्रोकन मिरर में ब्रोकन एजेक्टिव है, ठीक है। तो एजेक्टिव के बारे में पहले जो हमारे जहनों में एक बायसनेस है कि ये सिर्फ क्वालिटीज होती हैं, तो हुजूरे वाला ऐसा नहीं है। अब दिस और दैट अगर नाउन के साथ जोड़ के आते हैं तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। माई, आवर, योर, हिज, हर वगैरह अगर नाउन के साथ जोड़ के आते हैं तो पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म अगर नाउन के साथ अटैच होती है और एडजेक्टिव का रोल प्ले करती है तो ये फिर कहलाती है वर्बल एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल पार्टिसिपल्स। ये टर्म्स हैं जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि लाजमी नहीं है कि आप लोग याद करें। सिर्फ आप लोग ये देखें कि एडजेक्टिव्स का रोल कितने ज्यादा अल्फाज प्ले कर सकते हैं। तो लाजमी नहीं है कि जो हमारे ट्रेडिशनल एडजेक्टिव्स हैं जैसे कि टॉल है और जैसे कि स्मॉल है, जिनकी डिग्रीज बनती हैं, सिर्फ वही एडजेक्टिव का काम कर सकते हैं, ठीक है। अब एडजेक्टिव को समझने के बाद अब हम देखते हैं जो पॉइंट है कि एडजेक्टिव की जमा नहीं बनती, ठीक है, नाउन्स की वाहिद जमा बनती है अगर बननी हो तो। जैसे चेयर की जमा चेयर्स है और जैसे ट्री की जमा ट्रीज है, जैसे बॉय की जमा बॉयज है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि गुड बॉय, इसका प्लूरल बनाए तो क्या बनाएंगे आप, गुड बॉयज कहेंगे या गुड्स बॉयज कहेंगे? बोलिए बोलिए, गुड बॉयज कहेंगे ना। अच्छा, यानी कि नाउन की जमा बनी ना, देखिए ना, नाउन की जमा बनी, गुड की तो जमा ना बनी। इसी तरह टॉल ट्री का अगर मैं कहूं कि प्लूरल बनाइए तो आप कैसे बनाएंगे, टॉल ट्रीज कहेंगे या टॉल्स ट्रीज कहेंगे? तो टॉल्स ट्रीज तो कभी भी नहीं कहेंगे, आप कहेंगे टॉल ट्रीज। तो किसकी जमा बनी, नाउन की जमा बनी ना। तो रूल ये हुआ कि एडजेक्टिव्स की जमा नहीं बनती। अब अगर हम यहां तक समझ लेते हैं कि एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता, जैसे कि सिंसियर एक एडजेक्टिव है, तो कभी आपने सुना है सिंसियर्स, ठीक है। जैसे कि वाइड एक एडजेक्टिव है तो वाइड की जमा तो नहीं हो सकती। जैसे कि क्लेवर एक एडजेक्टिव है तो क्लेवर की जमा तो नहीं हो सकती। जैसे कि बैड एक एडजेक्टिव है तो बैड की जमा तो नहीं हो सकती। तो भाई एडजेक्टिव्स की जमा नहीं होती। अब हम इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। अब देखिए सेंटेंस नंबर वन, देखिए, आई वॉच्ड अ न्यू मूवी। अब न्यू एडजेक्टिव है यहां पर, ये जो ए है ये मूवी के लिए आया है क्योंकि मूवी सिंगुलर है यहां पर, ठीक है। आई वॉच्ड अ हॉरर मूवी। अब बताइए, मूवी अगर नाउन है तो न्यू क्या हुआ यहां पे, बताइए। जी हां, एडजेक्टिव हुआ। अच्छा, सेंटेंस नंबर टू में भी मूवी अगर नाउन है तो हॉरर क्या हुआ यहां पे, जी हां, एडजेक्टिव हुआ। अब अगर आई वॉच्ड अ न्यू मूवी में न्यू एडजेक्टिव है, आई वॉच्ड अ हॉरर मूवी में हॉरर एडजेक्टिव है, तो आई वॉच्ड अ 3 आवर मूवी में 3 आवर एडजेक्टिव हुआ ना। फिर मैं दोबारा गुजारिश करूं कि कोई भी लव्स जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। फिर देखते हैं हम, आई वॉच्ड अ न्यू मूवी में न्यू एडजेक्टिव, आई वॉच्ड अ हॉरर मूवी में हॉरर एडजेक्टिव, और आई वॉच्ड अ 3 आवर मूवी में 3 आवर एडजेक्टिव। तो क्योंकि एडजेक्टिव की जमा नहीं बनती लिहाजा यहां पर 3 आवर्स नहीं कहेंगे हम। अच्छा, अगर आपने कहना ही है तो फिर यूं कहिए, आई वॉच्ड अ मूवी ऑफ 3 आवर्स, फिर आवर्स कह दीजिए, क्योंकि जब आवर्स एंड में चला जाएगा तो वह एडजेक्टिव का रोल प्ले नहीं करेगा। अब देखिए फोर्थ सेंटेंस, आई वॉच्ड 5 new movies, मैंने 5 नई मूवीज देखी, ठीक है। अच्छा, आई वॉच्ड 5 हॉरर मूवीज। अच्छा,
अब फिर देखें न्यू मूवीज में न्यू एडजेक्टिव है तो हॉरर मूवीज में हॉरर एडजेक्टिव है, तो फिर आप यूं कहिए कि आई वॉच्ड 5 3-hour मूवीज, मैंने 5 3-घंटे की मूवीज देखी। तो यहां पर आवर्स नहीं कहना, आई वॉच्ड 5 3-hour मूवीज नहीं कहना। क्यों नहीं कहना? क्योंकि यहां पर 3 hour एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है और एडजेक्टिव की जमा नहीं होती, जैसे कि हम ये कह के आए हैं कि एडजेक्टिव्स हैव नो प्लूरल, नो प्लूरल फॉर्म कर देते हैं यहां पे, ठीक है। अच्छा, अब हम उस क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो कि मुझसे आज स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सर बताएं इसमें से कौन सा करेक्ट है। अब देखिए, आई हैव 10 रुपी, आई हैव 10 रुपी नोट्स। अच्छा, अब हम ऐसे करते हैं कि इस 10 रुपी की जगह आई हैव 10 new notes कर देते हैं, तो न्यू एडजेक्टिव हुआ ना, ठीक हो गया। अब ये जो 10 है ये तो इस नोट्स की वजह से आया है क्योंकि नोट्स प्लूरल है। अच्छा, आई हैव 10 old notes। अब जब हमने ओल्ड यहां पर किया तो ओल्ड भी एडजेक्टिव हुआ, तो जब ओल्ड नोट्स में ओल्ड एडजेक्टिव है, जब न्यू नोट्स में न्यू एडजेक्टिव है, तो 10 रुपी भी तो एडजेक्टिव हुआ कि मेरे पास 10 रुपए के नोट्स हैं, ठीक है। तो 10 रुपी क्योंकि यहां पर एडजेक्टिव है इसलिए इसका प्लूरल नहीं बनना, तो इसका जो अल्फा ऑप्शन है वो करेक्ट है हुजूर। ये से अलाइन दोबारा करता हूं मैं, देखिए जी यहां पर गलती क्या है कि आई हैव 10 रुपी नोट, यहां पर नोट गलत है, इसको मैं हाईलाइट करता हूं। ये देखिए नोट क्यों गलत है कि हुजूर 10 है यहां पे, तो 10 नोट कैसे हो सकता है, ठीक। और चार्ली ऑप्शन है आई हैव 10 रुपीज नोट। अब यहां नोट्स, अब यहां पर इश्यू यह है कि 10 रुपीज को प्लूरल बना दिया गया है क्योंकि यहां पर 10 रुपीज एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, इस वजह से इसका प्लूरल नहीं बनना। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका वो होगा अल्फा, और इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं ग्रीन से, आई हैव 10 रुपी नोट्स। फिर सुनिएगा, आई हैव 10 new notes में न्यू एडजेक्टिव, आई हैव 10 old notes में ओल्ड एडजेक्टिव, तो आई हैव 10 rupee नोट्स में 10 rupee भी एडजेक्टिव है, लिहाजा इसका जमा नहीं बनेगा, प्लूरल नहीं बनेगा, और हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा अल्फा ए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।